तो नमस्कार दोस्तों, मामा रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबका स्वागत है। हमारा इंस्टीट्यूट में अभी जो प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है अभी, ठीक है, ये सीपीयू का सामने स्टील को कट के सीपीयू को रिवॉल्विंग करके फिर बैठाना, रिमूव भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ रिमूव नहीं करेंगे। सीपीयू की प्लेस ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सीपीयू हमारा आराम से सीपी के सामने जो स्टील है वो तो उठा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं उसको। काटना है तो थोड़ा आराम से करना दोस्तों, कि सामने सीपीयू है, अगर सीपीयू में ना कट कट जाए। देखिए हमने इधर भी कट लिया है, इधर भी कट लिया है, ठीक है, दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा जूम करके। देखिए इधर भी कट लिया है हमारा, इस साइड भी स्टील भी हमने कट लिया और इधर भी स्टील कट लिया। अभी इसको हम उखाड़ेंगे अभी सही तरीके से, ऐसे भी उखाड़ देंगे नहीं देंगे, अच्छे से इसको खोल देंगे। जैसे स्टील उठाना हमने दिखा था, इससे पहले भी वीडियो आपको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, जो आपने जानते हैं कि कैसे स्टील को उठाना है, ठीक है। तो अभी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल में, वो भी प्रैक्टिकल में ही दिखाया था मैंने, यूट्यूब में वीडियो डाल के रखा है, पूरा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे हमने उसको बैठा दिया। अभी आयरन की मदद से इसमें हम थोड़ा फ्लाक्स पेस्ट ले लेते हैं। फ्लाक्स पेस्ट दे दिया पूरा इस साइड में। आयरन पे हीटिंग हमारा 350-400 में हीटिंग रहेगा, 360-370 में। और इधर एक हाथ में ब्लोअर रहेगा आपका, ब्लोअर में हीटिंग होगा 250, कम से कम 250-260 में हीटिंग रहना चाहिए। अभी इसको हम ओपन करेंगे। देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट में जोड़ना चाहते हैं, हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। अभी इसमें हम प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल में हम कस्टमर को, जो हमारा जो स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, कस्टमर को जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उसी मोबाइल फ़ोन में हम स्टूडेंट को काम सिखाएंगे। जैसे कि ये है MI K20, जिसका अभी प्रॉब्लम है कि इसका काम कैमरा काम नहीं कर रहा है, सिम नहीं काम कर रहा है, तो इसका ऊपर हम आज पूरा वीडियो बनाएंगे और अपने स्टूडेंट को हम दिखाएंगे कैसे हमारा ये स्टील जो है ये ओपन करना है और सीपीयू रिवॉल्विंग करके। ये सेट ऑन सेट है, चालू सेट है, लेकिन इसका जो साउंड प्रॉब्लम है और सेम काम नहीं कर रहा है, उसका आज देखेंगे कि किस तरह हम इसका काम करेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप भी अगर यहाँ से कुछ सीख पाएंगे, इसी हम उम्मीद करते हैं कि जो पैसे से आप यहाँ आएंगे सीखने के लिए वो पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारा सीपीयू जो है उसको पूरा क्लीन कर लिया, ठीक है, और क्लीन करने के बाद इसको हम ब्रश से भी साफ करेंगे और साफ करने के बाद इसे थोड़ा फिर से बॉल बनाएंगे, सीपीयू का बॉल बनाएंगे और बनाने के बाद हम बोर्ड में इसको बैठाएंगे, फिर बैठा के देखते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो चालू होता है कि नहीं होता है। बोर्ड तो बिल्कुल साफ कर लिया, लेकिन अभी हमको सीपीयू इसमें इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों हम सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है Redmi K20, ये हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो गया, ठीक है।